सो हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेयर पैचेस, हेयर टॉपर्स एंड हेयर विक्स के बारे में एंड इनमें क्या डिफरेंस होता है एंड ये किन कैंडिडेट्स के लिए बेस्ट रहता है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं हेयर टॉपर के बारे में। सो हेयर टॉपर उन क्लाइंट्स के लिए बेस्ट रहता है जिनका किसी भी पर्टिकुलर एरिया में हेयर वॉल्यूम कम है और वो एडिशनल वॉल्यूम एड ऑन करवाना चाहते हैं, तो उन कैंडिडेट्स के लिए हेयर टॉपर बेस्ट रहता है। अब हम बात करते हैं हेयर पैच के बारे में। तो हेयर पैच उन कैंडिडेट्स के लिए बेस्ट है जिनका हेयर लॉस हो चुका है कम्प्लीटली या किसी पर्टिकुलर एरिया में बाल्डनेस का प्रॉब्लम है, तो उस एरिया को हम कवर करते हैं हेयर पैच के थ्रू। अब बात करते हैं हेयर विक के बारे में। तो हेयर विक उन क्लाइंट्स के लिए बेस्ट रहता है जिनका पूरा एरिया में हेयर वॉल्यूम जा चुका है या बाल्डनेस का स्टेज है, तो उस एरिया में हम लोग हेयर विक लगाते हैं। ये क्यूमो पेशेंट्स के लिए भी बेस्ट रहता है, ये एलोपेशिया पेशेंट्स के लिए भी बेस्ट रहता है। तो जब आप हमारे क्लिनिक पे आते हैं, आपका बाल्डनेस का क्या स्टेज है उसके अकॉर्डिंग हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आपके लिए हेयर पैच, हेयर टॉपर, हेयर विक क्या बेस्ट रहेगा। तो करेंटली हमारी ब्रांच दिल्ली और मेरठ में है, तो अगर आपको और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप डीओ नंबर पर कॉल कर सकते हैं, फ्री कंसल्टेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।